सभी को सुनील भैया का जय श्री महाकाल। सभी के चरणों में निवेदन है, भाई बहनों को जय श्री देव या सभी रक्षा, सभी सुनील भैया का प्रणाम स्वीकार करें। तो काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए और मैं साधना में चला हुआ था। दूसरा हमारी जो साधना थी वो 21 दिन की थी, तो माफ़ी चाहता हूँ, बीच में श्राद्ध हो गए थे तो हमने उसको 11 दिन की साधना करके 11 दिन की, और फिर उसके बाद में हमने 11 दिन की कंप्लीट करके हमने कर दिया। और अभी हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं। तो जिस भाई को भी क्रिया करवानी हो तो या मिलना हो सुनील भैया से, चेकिंग वैकिंग जो भी आपको करवानी हो करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर हमारा मेन जो मोटिव था, टारगेट जो था, तो अनुभव हमारे को चाहिए थे। दूसरा एक मेरा जो टारगेट था कि वो जो किला था, जब वो 300-400 साल पुराना किला था, तो उसके अंदर जो कुछ थी, प्रेतात्माएं भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, पॉजिटिविटी भी थी। और तो उसके साथ साथ मैंने सोचा चलो मैं अपनी साधना भी कंप्लीट कर लूँगा, तपस्या भी, अपना तप जो भी है तो वो भी कंप्लीट कर लूँगा। और जो चीज़ें थी वहाँ पे जो परेशान करती थी लोगों को, उनकी भी मुक्ति हो जाएगी साथ में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपीरियंस अनुभव, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भैया कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर हमें करना, और साधना के जो भी अनुभव रहे थे वो भी हमारे को बताना। तो किसी को लेके चलो मैं अपनी जो भी है उन सभी का बताता हूँ, ठीक है। और क्या था वीडियो के अंदर, बस यही था मैं तो मेरे हिसाब से अनुभव शेयर करने। तो अनुभवों की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। वीडियो को पूरी देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जो भी मैं सारी बातें बताऊँगा वो सारी तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट कर दिया करो अच्छे अच्छे जय श्री महाकाल के, और लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और उन तक जरूर शेयर किया करो जिसको भूत प्रेत की समस्या हो, ताकि उनका भी भला हो सके, उनका भी हमारे द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे इष्ट के द्वारा कल्याण हो सके, ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं अनुभव की। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पे, मैं चला गया, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट डे मैंने जब तक जो भी था मेरा करना आरंभ किया, तो वहाँ पे ना ऐसे लाइन में चीज़ें स्टार्ट होगी, खड़ी होगी। तो 11:30 जैसे ही होते थे, 11:30 रात के जब 11:30 बजते थे, तो उस टाइम पे चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती थी। लाइनिंग बहुत बड़ी लाइनिंग कतार लगनी स्टार्ट हो जाती थी, उसके अंदर बहुत सारी लेडीज प्रेत और आदमी ऐसे ऐसे मूछ वाले भाले लिए हुए बहुत सारे बंदे आते थे। अब ये मत सोचना कि सुनील भैया भाई किले की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भाई ये चीज़ें तो आएंगी, ना ना ना, ये जो मेरे अनुभव है मैं वो आपको एक्सपीरियंस कर, जो एक्सपीरियंस है मेरे वही शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे भाले लिए हुए आए, हो सकता है वो उनके मंत्री हो सकता है वो उनकी मुक्ति ना हुई हो, तो वो चीज़ें। दूसरा जो एक नृत्य जो करती थी टाइप की, कुछ लेडीज ऐसे हाफ कपड़ों में ऐसे ना नीचे से पूरा यहाँ से तक हाफ कपड़े, यहाँ भी हाफ कपड़े, पूरा हाफ कपड़े में, तो वो भी लेडीजें आ रही थी। तो उनका जो मोटिव जो था सिस्टम, तो वो चीज़ें ना बार बार वो चीज़ें आ रही थी मेरे पास में, और बस आप समझ गए होंगे वो चीज़ें किस लिए आ रही थी, ठीक है। क्योंकि वो वासना टाइप से कुछ ऐसा सिस्टम था, ठीक है, तो वो वासना में लिप्त जैसे कि ऐसा, और हो सकता है उनके साथ में कोई गलत काम किया गया हो, तो वो चीज़ें इसी कारण से आ रही थी। और स्टार्टिंग में तो उन्होंने मेरे को भी परेशान किया, और धीरे धीरे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लाइन पे आ गई कि हाँ, क्योंकि वो आप चाहे अपने इष्ट का बल लगा लो, या फिर मेरा औरा लगा लो, कुछ भी लगा लो, शक्तियाँ जो भी थी, तो उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें धीरे 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 वो सेट होने लग गई थी। और लास्ट में वो इतनी लाइनिंग लग गई कि बहुत ज़्यादा, स्टार्टिंग में जो उनकी थिंकिंग थी ना, स्टार्टिंग की जो थिंकिंग थी उनकी गलत काम करने की थिंकिंग थी, तो उस टारगेट से वो मेरे पास में आई। उसके बाद में वो धीरे 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 वो अपनी मुक्ति के लिए वहाँ पे गुहार करने लगी कि हमें भैया हमारी मुक्ति करवा दो,
ये करवा दो वो करवा दो, तो बहुत सारी चीज़ें आगे खड़ी होगी। और जैसे ही मैंने एक बार प्रे की उनकी उनके लिए महाकाल जी से कुलदेवी कुलदेवता से मैंने प्रे की, तो वो सारी चीज़ें एकदम से गायब होगी, यानी वो अपने अपने स्थान पे पहुंच गई जहाँ पे उनको पहुंचाना था। मेरे इष्ट ने महाकाल जी ने उनको पहुंचा दिया। और उसके बाद में जब वो चीज़ें आती थी तो पायलों की आवाज़ सुनाई देती थी, तो मैं सोचा कौन आ गया, ये क्या हो रहा है, तो पायलों की आवाज़ आ रही थी अलग अलग अजीब अजीब से, ऐसे लग रहा जैसे कोई पैरों की जैसे चलते हैं ना ऐसी आवाज़ आ रही थी, और पायलों की आवाज़ आ रही थी छन छन पूरा, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, महसूस हुआ। और कहने का मतलब ये है भाई, मज़े आगे पूरे साधना के अंदर। और ये साधना के अंदर मैं 10 से 12 घंटे के अंदर बैठता था, 11 दिन के लिए मैं 10 से 12 घंटे के बीच में बैठता था, तो हमारा 5:30 बजे मैं बैठ जाता था और शाम को 6 बजे उठता था। तो बीच में दोपहर में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट होता था मेरा, खाना वाना का जो होता था, और जो भी वहाँ पे मेरे चेले थे, भाई थे, जो भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा सहायता की, और मतलब मेरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छा योगदान दिया उन्होंने, सहायता की हर टाइप से, हर चीज़ से उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो उनका मैं वीडियो के माध्यम से या कैसे भी, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और एक पंकज भाई था, सुशील था, और क्या नाम है, पुनीत था, और देवा, बिट्टू और मोहित, बहुत सारे थे जो अपने वहाँ पे सेवा कर रहे थे, बालाजी महाराज की भी सेवा करते थे, और साथ में उन्होंने हमारी भी सेवा की वहाँ पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं उन सभी के लिए दिल से दुआ करता हूँ कि भगवान हमेशा उनको खुश रखे, और भगवान उनको हमेशा जो भी काम करे उसके अंदर सक्सेस दे, उनको सफलता प्रदान करे। तो हमारे ये अनुभव थे बस, और कुछ नहीं अनुभव है भाई। और बात रही तो उन चीज़ों को तो मैंने वहाँ से हटा और क्योंकि एक साइड कर दिया था। तो एक बात और बता देता हूँ, एक बंदा है सोनू वत्स के नाम से, तो वो बार बार कमेंट्स करता है, बकवास करता है, इरिटेट करता है, ठीक है, क्योंकि वही है ना, जो बंदा जो मेरे साथ होते थे कभी, ठीक है, तो आज वो बंदे आगे बढ़ नहीं पाए इस लाइन के अंदर उन्होंने, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है भाई, हर चीज़ में मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अब वो बार बार कमेंट करते हैं, ये कर दिया तुमने, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई मेहनत कर तू भी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये अब मेरे को तो, अगर मैं तेरे को जैसे तू कमेंट्स के माध्यम से जवाब दे रहा है, अगर मैं कमेंट्स के माध्यम से जवाब दूंगा तो लोग ये बोलेंगे भैया आप भी उन्हीं के जैसे होंगे, ठीक है, तो ये गाली वाली देना मेरे को नहीं आता भाई, ठीक है। लेकिन इतना बता देता हूँ, अगर मेरी नज़रों में ज़्यादा चढ़ गया ना, तेरे को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये समझ लेना, आया समझ में, चाहे कहीं भी चले जाना, चाहे शनि धाम चले जाना, चाहे कहीं भी चले जाना, तेरे को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर मेरी नज़रों में सही तरह से चढ़ गया ना जिस दिन, और जिस दिन मेरे को गुस्सा आ गया, उस दिन ये सोच लेना मैं तेरा संकल्प ले दूंगा, आया समझ में। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, अपना भगवान का ध्यान कर, अपनी भक्ति कर, ठीक है, तू भी बढ़ जाएगा आगे, मेहनत कर, ठीक है। और रही बात, अगर तेरे को सपोर्ट चाहिए तो मैं सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप की बातें करेगा तो मैं तेरे को कभी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। हाँ, एक भाई बन के अच्छे से मेरे पास आएगा तो मैं तो एक तेरे को सपोर्ट करूंगा, हर चीज़ में सपोर्ट करूंगा, भक्ति में कैसे क्या है तेरे को पूरी गाइडलाइन दूंगा, मैं औरों को गाइडलाइन दे रहा हूँ, तेरे को भी गाइडलाइन दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अच्छे से पेश आएगा तभी हो पाएगा भाई। नहीं तो देख, सुनील का कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है, सभी मेरे लिए बराबर है, ना मेरा कोई जात पात का सिस्टम है, तू कमेंट करता है जात पात का। दूसरा, अगर तू बहुत ज़्यादा बकवास करेगा तो तेरी वीडियो मेरे पास है ही, आया समझ में, अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तेरी, ध्यान रखना। और बस यही कहूँगा कि भाई ऐसे लोगों से बचो, थोड़ा सा ना दूर रहो, और क्योंकि वही है, एक भैंस सोया का गोबर लगाया करे तो वो एक काम यू कर रहा है, लोगों द्वारा मैसेज करेगा बार 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 कि सुनील ईसा है, ईसा है, अरे सुनील तो जिसा है उषा ठीक से है, तू तेरा खुद देख रहे तू किसा है, या जनता बावड़ी थोड़ी है सुनील के पास में आओ है, ठीक है, या जनता के मैं सोच समझ के आती होगी, ठीक है। तो भाई सभी को जय श्री महाकाल। और भाई थोड़ा सा ना, पता नहीं, दिमाग थोड़ा सा इरीटेट हो जाता है ना, तो पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ मैं, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और
बस यही है, जश्न देव जश्न।